कानपुर से है, जहां पर अमेरिका से एक बुजुर्ग दंपत्ति अपने पूर्वजों और अपनी मातृभूमि को देखने के लिए जौनपुर पहुंची। अपने पूर्वजों की जमीन पर पहुंचकर अपने परिवार के लोगों से मिलने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि अपने वतन की चाह उन्हें यहां खींच लाई है, जहां आने के बाद जो खुशी मिली उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते। दरअसल अमेरिका रहने वाले 71 वर्षीय सैयद असलम रिजवी तकरीबन बचपन में ही अपने पिता के साथ अमेरिका चले गए थे। असलम के पिता सैयद मोहम्मद हसनैन रिजवी मछली शहर में कस्बे के रहने वाले थे और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे से पहले लाहौर के एक न्यूज़पेपर में एडिटर थे। पिता की मौत के बाद असलम भी अपने जॉब पे बिजी थे, लेकिन रिटायर होने के बाद असलम के मन से अपने हिंदुस्तान की जमीन को देखने और पूर्वजों के घर को खोजने का ख्याल आया। मैं तो यही कहूंगी, अपना वतन, अपनी मिट्टी, वो खुशबू खींची लेकर खींच ले आती है। क्या उम्मीद थी कि हाँ मिल जाएगा, घर परिवार मिलेगा, ऐसा कुछ? जिस तरह से मिस्टर अखिलेश ने बात की मुझसे, तो उसे तो बहुत उम्मीद थी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने सवाल, पर्टिनेंट क्वेश्चंस पूछे और उनकी आवाज में एक तरीके से सुलझाव था और तसल्ली देने वाली बात थी, तो इसलिए आई वॉज वेरी ऑप्टिमिस्टिक। हम आए हैं ह्यूस्टन, टेक्सास, अमेरिका से। कैसे जौनपुर आना हुआ? जौनपुर में हमारे वालिद, ये ददियाल जिसे कहते हैं, ये हमारा ददियाल है, और वालिद साहब का तो इंतकाल हो गया खैर, लेकिन ये कि एक बहुत ज़माने से ये ख्वाहिश थी दिल में, और हम तो तकरीबन उम्मीद हार चुके थे, लेकिन हमारी जो जौजा हैं उन्होंने हिम्मत दिलाई आखिर वक्त तक, वरना हम सोच रहे थे कि हम कहाँ जाएंगे, कुछ पता नहीं था हमको कि कैसे कुछ कोई कड़ी मिला पाएंगे, लेकिन ये कि यहाँ पर आने के बाद हमें महसूस हुआ कि बहुत प्यार देने वाले लोग भी मौजूद हैं, और उन्हीं की वजह से ये आज हमारा दिन बहुत अच्छा गुजरा, और हमारे पास अल्फाज नहीं है कि उनका किस तरह शुक्रिया अदा करें। जब ये वैसे तो हमारे वतन का कोई भी आया हो तो खुशी होती है, लेकिन जब ये मालूम हुआ कि ये मेरे ख़ानदान के ही हैं तो और इजाफा हो गया खुशी में, और मैं इसको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता, और मैं धन्यवाद देता हूँ आप लोगों का और ख़ास करके श्रीवास्तव जी का कि इनका कॉल गया मेरे पास, मैं फौरन भागता आया, और जब ये मालूम हुआ अपने बुज़ुर्गों से, और जब ख़ानदानी शजरा, तो दो भाइयों का शजरा चला है, जिससे एक भाई से आप लोग हैं और एक भाई से हमारा ख़ानदान, तो अब इसको आप अच्छी तरह समझ जाएंगे कि कितनी खुशी महसूस हुई होगी।